हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड कॉलेज आईजीआई पेस के बीपीएड के 2020 के रिटर्न एंट्रेंस पेपर को सॉल्व करेंगे। आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीपीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। ये वीडियो का पार्ट वन है और इसके बाद इस वीडियो के चार पार्ट और आएंगे। इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग 80 क्वेश्चंस हम आगे के चार पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद चारों ऑप्शन बोलूंगा और जिस बीच में चारों ऑप्शन बोल रहा हूँ उस बीच आपको मन में ही गेस कर लेना है कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। इससे दोस्तों आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर वन, द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ इम्प्लाइज द नोशन ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है पॉजिटिव हेल्थ का क्या मतलब है, मतलब जब हम पॉजिटिव हेल्थ की बात कर रहे होते हैं तो उससे हमारा क्या मतलब होता है। ऑप्शंस हैं फ्रीडम फ्रॉम इलनेस, अडेप्टेशन टू वन्स एनवायरनमेंट, परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी या एक्टिव पार्टिसिपेशन इन हेल्थ प्रोग्राम्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी माइंड एंड सोल। दोस्तों जब हम पॉजिटिव हेल्थ की बात कर रहे होते हैं तो उससे हमारा क्या मतलब होता है, उससे मतलब होता है कि हमारी बॉडी परफेक्टली फंक्शन कर रही हो, ऑप्टिमम लेवल पे जितना अच्छा फंक्शन कर सकती है बॉडी उतना अच्छा फंक्शन कर रही हो, हमारा माइंड और सोल प्रॉपरली अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहे हों। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि हम पॉजिटिव हेल्थ के स्टेट में हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, वेक्टर बोन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर स्प्रेड थ्रू। क्वेश्चन में पूछा गया है जो वेक्टर बोन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं वो किसके थ्रू स्प्रेड होती हैं इन दिए गए चार ऑप्शंस में से। ऑप्शंस हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मॉस्किटोज, वाटर या फूड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉस्किटोज। दोस्तों मॉस्किटोज से जो वेक्टर बोन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो स्प्रेड होती हैं। जैसा कि आपने सुना भी होगा मलेरिया क्या है, एक वेक्टर बोन कम्युनिकेबल डिजीज है जो किससे स्प्रेड होती है, मॉस्किटो की वजह से स्प्रेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, द मेन पर्पज ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज टू। क्वेश्चन में पूछा गया है हेल्थ एजुकेशन का मेन पर्पज क्या होता है। ऑप्शन से आपके सामने गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट फिटनेस एंड वेलबींग, ऑप्शन बी है ब्रिंग डाउन बिहेवियर इंड्यूस्ड इंसिडेंस ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ऑप्शन सी है टीच हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स इन स्कूल्स, और ऑप्शन डी है एजुकेट रूरल पॉपुलेशन अबाउट सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिंग डाउन बिहेवियर इंड्यूस्ड इंसिडेंस ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। मतलब हमारा डिजीज को जो लेकर बिहेवियर है कैसे उसे प्रिवेंट करना है, हमारा बिहेवियर ऐसा बन जाए कि हम कुछ भी करते हुए सोचें कि ये करने से हम इस डिजीज को होने से रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, इस टाइप का हमारा बिहेवियर हो जाए जिससे अल्टीमेटली क्या होगा हमारी हेल्थ प्रमोट होगी। तो यही हेल्थ एजुकेशन का मेन पर्पज होता है। वैसे तो ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये पढ़कर आपको सारे सही लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेन पर्पज के बारे में पूछा गया है तो मेन पर्पज क्या है, हेल्थ को प्रमोट करना है जिससे हम प्रिवेंटिव मेजर्स को अडॉप्ट कर सकें और डिजीज से बच सकें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, द एक्रीन ग्लैंड्स सीक्रेट। जो एक्रीन ग्लैंड्स होती है वो क्या सीक्रेट करती है। अब दोस्तों ये एक्रीन जो है इसे आप तीन तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, ये ग्लैंड का नाम है, एक्रीन भी बोल सकते हैं आप, एक्राइन भी बोल सकते हैं और एक्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी बोलें तीनों ही एक्सेप्टेबल हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये जो एक्रीन ग्लैंड्स है ये क्या सीक्रेट करती है। ऑप्शंस हैं सीबम, स्वेट, मेलानाइन या हार्मोन। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वेट। एक्रेन जो ग्लैंड है वो स्वेट सीक्रेट करती है। ज्यादातर जगह आपने लिखा हुआ भी देखा होगा एक्रेन स्वेट ग्लैंड, इसी तरह से इसका नाम ज्यादातर जगह लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, अलोंग विद द नर्वस सिस्टम विच अदर सिस्टम कंट्रोल्स द इंटरनल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन पूछा गया है हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसे हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, लेकिन नर्वस सिस्टम के साथ साथ एक चीज और है वो भी इसे कंट्रोल करने में हेल्प करती है, क्या है वो। अब यहाँ पर इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है होम्योस्टेसिस, मतलब हमारी बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर है वो किस तरीके का है, हमारी बॉडी अंदर से कैसे फंक्शन कर रही है, नॉर्मल कर रही है या नहीं, हमारी हार्ट बीट वगैरह नॉर्मल चल रही है या नहीं, ये सब कुछ क्या होता है, होम्योस्टेसिस होता है। मेनली जब हम होम्योस्टेसिस की बात कर रहे होते हैं तो हम टेम्परेचर पर ज़्यादा फोकस होकर बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को इसमें कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट को नर्वस सिस्टम के अलावा और कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है। ऑप्शंस हैं मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, एंडोक्राइन। नर्वस सिस्टम के अलावा जो एंडोक्राइन होता है उसका भी सिग्निफिकेंट रोल होता है हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में, उसको कंट्रोल करने में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इन अ पोस्ट एक्सरसाइज डाइट वन शुड प्रेफरेबली रिप्लेस विद इन 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 घंटे की एक्सरसाइज के बाद, मतलब पोस्ट एक्सरसाइज, हमें कौन से न्यूट्रिएंट की पूर्ति जल्दी से जल्दी कर लेनी चाहिए। ऑप्शंस हैं फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों आपने देखा भी होगा पोस्ट एक्सरसाइज में जो हमारे कार्बोहाइड्रेट के रिजर्व डिप्लीट हो जाते हैं, उन्हें जल्दी जल्दी दोबारा से रिप्लेनिश करने के लिए, उन्हें दोबारा से गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, बनानाज लेते हैं या कुछ इस टाइप के सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिससे हमारे कार्बोहाइड्रेट रिजर्व्स दोबारा आ जाएं और हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ ह्यूमन सेल इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमन सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसा होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। ए मेम्ब्रेन दैट कंटेन्स पिली ऑन इट्स सेल सरफेस, ए डबल लेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एनक्लोजिंग द सेल, ए सिंगल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन या ए डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ए डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ह्यूमन सेल का कैसा होता है, उसमें फॉस्फोलिपिड्स की डबल लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन में पूछा गया है, नीचे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ट्रू है। स्टेटमेंट्स को आप पढ़ सकते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल विल हैव मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स। इसके अलावा ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ये फॉल्स हैं, गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले जो हम फूड का इनटेक करते हैं, उस इनटेक करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ऑप्शन हैं इंजेशन, प्रोपल्शन, डाइजेशन या एलिमिनेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उसका इंटेक करते हैं उसको हम इंजेशन बोलते हैं। ये डाइजेशन से पहले का प्रोसेस होता है दोस्तों, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। डाइजेशन इंजेशन के बाद का प्रोसेस है, हम जब फूड का इंटेक करेंगे तभी तो डाइजेस्ट होगा। यहाँ पर उससे एक पहले वाले प्रोसेस के बारे में बात की जा रही है जिसे हम बोलते हैं इंजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। थिक फिलामेंट्स इन स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ। क्वेश्चन पूछा गया है, स्केलेटल मसल के जो थिक फिलामेंट्स होते हैं वो किस चीज से बने हुए होते हैं। ऑप्शन हैं एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन या ट्रोपोमायोसिन। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मायोसिन। मायोसिन दोस्तों थिक फिलामेंट होते हैं हमारी स्केलेटल मसल के अंदर। इसी तरह से जो एक्टिन है वो थिन फिलामेंट है। इस पर दोस्तों मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, द स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन। ये वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगी। मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप जरूर देखें, मसल से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आपके ये वीडियो देख करके क्लियर होंगे। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि मायोसिन थिक फिलामेंट होता है, ये भी मैंने उस वीडियो में समझाया है बहुत अच्छी तरीके से, तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को, काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है सिंपल, ये पूछा गया था कि स्केलेटल मसल के अंदर जो थिक फिलामेंट होते हैं वो किस चीज के बने हुए होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कार्डियक आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड विद द राइज इन। क्वेश्चन पूछा गया है, कार्डियक आउटपुट जो है हमारी बॉडी का वो बढ़ जाएगा अगर उसके साथ साथ एक चीज और बढ़ जाए। कौन सी चीज बढ़ जाए। ऑप्शन हैं हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम या रेस्पिरेटरी रेट। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ सकता है अगर हमारा हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ICC ट्रॉफी। क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे 4 स्पोर्ट्स के नाम है, इन चारों में से वो कौन सा स्पोर्ट है जो कि ICC ट्रॉफी से रिलेटेड है। तो इसका आंसर सभी को पता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिकेट। क्रिकेट ही वो गेम है जो कि ICC ट्रॉफी से रिलेटेड है, क्योंकि ICC क्या है, क्रिकेट के इंटरनेशनल फेडरेशन का नाम ही ICC है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। फीबा इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट। फीबा कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। ऑप्शन हैं बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल या लॉन टेनिस। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बास्केटबॉल। फीबा जो है वो बास्केटबॉल गेम से रिलेटेड है। क्या है फीबा, फीबा बास्केटबॉल की इंटरनेशनल फेडरेशन है जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, तो कई बार फेडरेशन के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको फेडरेशन याद होनी चाहिए मेजर गेम्स की कम से कम, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। विच वॉज द फर्स्ट नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री टू बीट इंडिया इन एन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। क्वेश्चन पूछा गया है,
वह कौन सी पहली कंट्री है जिसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हराया था, और वो जो कंट्री है जिसने हराया था इंडिया को वो नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री थी, मतलब टेस्ट मैचेस नहीं खेलती थी। ऑप्शंस हैं कनाडा, श्रीलंका, जिम्बाब्वे या ईस्ट अफ्रीका। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका दोस्तों वो पहली नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री है जिसने भारत को इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में हराया। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पहले भी आईजीआई के एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है, अगर पिछले सालों के पेपर आपने देखे होंगे तो आपको इसका अंदाजा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड पीटी उषा विन इन द 1986 सियोल एशियन गेम्स। क्वेश्चन में पूछा गया है 1986 के जो सियोल एशियन गेम्स हुए थे उसमें पीटी उषा ने कितने गोल्ड मेडल जीते। ध्यान दीजिएगा, गोल्ड मेडल कितने जीते। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4। पीटी उषा ने 4 गोल्ड मेडल जीते थे सन 1986 के एशियन गेम्स में जो कि सियोल में हुए थे। कौन कौन से इवेंट्स में थे? 200 मीटर में, 400 मीटर में, 400 मीटर हर्डल में और 4x400 मीटर रिले में। आपको पता है पीटी उषा एथलीट थी, ट्रैक एंड फील्ड की प्लेयर थी, तो इन चारों इवेंट में 1986 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा दोस्तों एक सिल्वर मेडल भी वैसे जीता था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि गोल्ड मेडल की ही बात की जा रही है तो ये 4 गोल्ड मेडल जीते जो कि मैंने आपको अभी बताए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हाइट इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है हाइट को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, मतलब हमारी लंबाई। ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर, डायनेमोमीटर, स्टेडियोमीटर या गोनियोमीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर से दोस्तों हम अपनी हाइट को मेजर करते हैं। कई बार स्कूल में हो सकता है आपके भी हाइट को स्टेडियोमीटर पर मेजर किया गया हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लेन्स आर नॉट एट राइट एंगल टू ईच अदर। और दोस्तों ये क्वेश्चन किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स से लिया गया है, अगर आपने प्लेन्स एंड एक्सिस को अच्छे से पढ़ा है तभी आपको क्वेश्चन समझ में आ पाएगा, नहीं तो फिर ये आपके सिर के ऊपर से गुजरेगा। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि कौन से प्लेन के वो पेयर हैं जो कि एक दूसरे के राइट एंगल पर नहीं है, मतलब 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सजाइटल एंड मीडियन सजाइटल प्लेन्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द कूल डाउन आफ्टर एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट। क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सरसाइज के बाद जो हम कूल डाउन करते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन से इंप्रूव्स ऑक्सीजन अपटेक, रेगुलेट्स ब्रीदिंग, स्पीड्स द रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड या डिक्रीजेस एड्रेनालिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पीड्स द रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड। एक्सरसाइज के बाद कूल डाउन इसलिए जरूरी है क्योंकि कूल डाउन करने से ही लैक्टिक एसिड की रिमूवल की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। आपको पता है लैक्टिक एसिड की वजह से ही हम थका हुआ महसूस करते हैं, फटीग के पीछे की वजह लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन ही होता है, तो वो जितनी तेजी से हमारी बॉडी से रिमूव होती है उतनी ही तेजी से हमारी रिकवरी हो पाती है, इसीलिए कूल डाउन जरूरी है एक्सरसाइज के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। द बिट बाई बिट टेक्निक इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है, नीचे 4 स्पोर्ट्स के नाम दिए गए हैं, इनमें से वो कौन सा स्पोर्ट है जिसमें बिट बाय बिट टेक्निक का यूज होता है। ऑप्शंस हैं साइकिलिंग, एक्वेस्ट्रियन, क्रॉस कंट्री या स्विमिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रॉस कंट्री। बिट बाय बिट जो टेक्निक है वो क्रॉस कंट्री गेम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एरोबिक्स। क्वेश्चन में पूछा गया है एरोबिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें किसने दिया। ऑप्शंस हैं टेरी ऑर्लिक, केनेथ कूपर, फ्रैंक डिक या विलियम एरोबिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केनेथ कूपर। केनेथ कूपर ने हमें एरोबिक्स का कॉन्सेप्ट दिया। केनेथ कूपर की दोस्तों 1968 में बुक भी पब्लिश हुई थी जिसका नाम एरोबिक्स ही था, इन्होंने ही एरोबिक्स का कॉन्सेप्ट दिया हमें। ठीक है, तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी 80 क्वेश्चंस और बचे हैं जो कि आने वाले 4 पार्ट्स में आप देख सकते हैं। इसके अलावा 2018-19 सेशन का आईजीई पेस का जो बीपीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उस पर भी मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं। एएमयू का जो रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट हुआ था पिछले साल या उससे पिछले साल का, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके आईजीई पेस के बीपीएड के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, ऊपर आई बटन पर मेरे प्रीवियस ईयर पेपर की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आने वाले पार्ट्स में हम करेंगे। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।